भोलेपन का फायदा उठाकर वो बदमाश हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। वो बात से हम सब लेडीज को बहुत बुरा लगा, और हम अगर सबको बता देते तो पूरी सोसाइटी में हम सब लेडीज हंसी के पात्र हो जाती। इस डर से ये बात हम सब लेडीज ने सबसे छुपाई। तुझे किसने कह दिया कि तू हंसी के पात्र बन जाती? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बाबूजी। और कहना भी मत, और कहने का सोचना भी मत। अरे औरतों की भक्ति शक्ति और युक्ति हमेशा पुरुषों से आगे रही है, समझा? बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। अबू बेटा। हाँ दादाजी। तूने आज का अखबार देखा? नहीं दादाजी। मिल गया पापा के हाथ में अखबार। ए भाई, मैं कब से अखबार ढूंढ रहा हूँ, तू क्या इसे बेडरूम में सुलाने ले गया था? नहीं बापूजी। बोला? हाँ लीजिए। ये क्या है? ये क्या अखबार? अरे ये कल का अखबार है, तू क्या कल का अखबार पढ़ रहा था? हाँ बापूजी, वो कल का अखबार मैंने पढ़ा नहीं था। तो आज का अखबार क्या कल पढ़ने के लिए छुपा के रखा है? नहीं बापूजी, आज का अखबार तो मैंने आज देखा ही नहीं है। तो कहाँ गया? बापूजी, चाय। हाँ एक मिनट, ये आज का अखबार तू पढ़ रही थी? क्यों, मैं नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती है, लेकिन आज का अखबार तू अंदर पढ़ने ले गई और बापूजी अखबार ढूंढता ढूंढता मुझे डांट रहे। छे, सॉरी बापूजी। नहीं नहीं कोई बात नहीं बहू, चल ला भाई, अभी मिल गया ला। हाँ, अच्छा टप्पू के पापा, आपके लिए अभी चाय लाऊं कि आप नहाने के बाद पियेंगे? नहीं तू चाय अभी लाना मत, पहले नहा लेता हूँ बाद में चाय नाश्ता। क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या क्या हुआ, जहाँ देखो वहाँ बुरी खबर, गोलीबारी, भ्रष्टाचारी, और आज ये है 100 रुपए किलो प्याज। लेकिन दादाजी इसमें हमें क्या, हम तो ऑनियन यानी कि प्याज तो खाते ही नहीं है। अरे बेटा हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग आलू प्याज खाते हैं वो कैसे खाएंगे है? उनको कैसे परवड़ेंगे इतने महंगे प्याज? बराबर बापूजी, बराबर कह रहे हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है प्याज तो आम इंसान की कस्तूरी है, और ऐसे ही आलू और प्याज के भाव बढ़ते ही रहेंगे तो बेचारे मेहनत करने वाले आम आदमी या किसान भाई कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ क्या जाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे। और जब तक ये भाव बढ़ा हुआ है तब तक चला लेने का, नहीं खाने का, और क्या। ए बबूचक, तू ये टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचता है ना, उनके बगैर लोग चला सकते हैं, लेकिन आलू प्याज के बगैर लोग नहीं चला सकते। इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए बस। अगर ऑनियन के भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल नहीं ऑनियन मेडल पहनाएंगे। हाँ और दिवाली में कुछ व्यापारी लोग ऑफर निकालेंगे, एक टीवी पे 1 किलो कांदा फ्री। बाबूआ बेटा ये हंसने की बात नहीं है, अरे जरा सोच, जो लोग रोज आलू प्याज खाते हैं उनका क्या हाल होगा। माधवी जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे कल मेरा उपवास था, भूल गई क्या? कमाल है बाबा जी, जरा सांग ना आईला। आई लौकर, ये मेरा भी उपवास था। आई आई आई, आप लोग भूख सह नहीं पाते तो उपवास रखते क्यों? वो तुम्हें एक दिन किचन में आराम मिले इसलिए डार्ल माधवी। होगा? अरे वाह, मतलब आपको लगता है कि आप दोनों को भूखा रखकर मुझे आराम मिलेगा? हाँ अगर आपको वाकई में मुझे आराम देना है तो होटल में लेके चलो खाना खिलाने। गुड आइडिया, अब बाबा बाबा प्लीज प्लीज लेके चलो ना, वैसे भी हम कितने दिनों से नहीं गए बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, हाँ लेकर जाऊंगा, बस अभी दो जो है वो है, वो है। काय से ना? नहीं काय नहीं, काय नहीं, क्या पीजे था, जो है वो है। और लोग मुझे बोलते हैं
कोमल, कांदे पोहे में कांदे ही नहीं है तुम्हारे इसमें है? अरे तो माधवी, तो कांदा कहाँ है इसमें? कांदा नहीं है। कांदा डालना भूल गई। मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों कांदे को भूल जाओ। का? का का है? वो कांदे का भाव कितना बढ़ गया है, 100 रुपया किलो। आगे से किसी भी चीज में कांदा नहीं मिलेगा, ना थाली पीट में, ना मिसल में, ना कांदा भजी में। पढ़ लो। देवा देवा देवा, अरे कितनी महंगाई बढ़ रही है। और यही बात जब अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलता हूँ ना कि महंगाई बढ़ रही है, तो मैं जरा फीस बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या जमाना आ गया। अरे एक जमाना था जब लोगों के घरों में कांदा कटने की वजह से आंखों से आंसू आते थे, और अभी कांदा ना कटने की वजह से आंखों से आंसू आ रहे हैं। 100 रुपए किलो कांदा, तुम्हें पता है? सुनो, हमारे जमाने में 100 रुपए में हम लोग पूरे महीने का राशन भरवाते थे। और पता है कांदे का क्या भाव था? 1 रुपया किलो। 1 रुपया किलो। तो बाबा, अगर आपने तभी ही 10,000 किलो कांदे खरीद के रख लिए होते, तो आज हमारे पास लाखों के कांदे होते। काय सुनू, तब के खरीदे होते कांदे तो अब तक सड़ नहीं जाते। मग वैसे माधवी, एक बात है, ये ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारी लोग कांदा जमा करके गोडाउन में रखते हैं और मार्केट में हवा फैलाते हैं कि कांदा है ही नहीं, तो कांदा महंगा हो जाता है और अपना मुनाफा कमाते। हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मग है, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। नहीं नहीं माधवी, सरकार एक्शन ले रही है। आज ही पेपर में आया है कि आलू प्याज टमाटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। करनी ही चाहिए। दीदी, कांदे के सारे बक्से तो रख दिए। धीरे, ऐसे खुले हम कांदे का नाम लोगे तो बवाल मच जाएगा। लेकिन दीदी, इसे कहाँ ले जाना है? इससे ले जाना है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय हाय, मिस्टेक से गलती कर दी, बड़ा नहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किधर आया? ज्यादा सवाल मत करो, बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। मगन जी, ने टोका का सारे टीवी साफ करके फिर चालू कर दे। जी सर। बोलिए सेठ जी। हाँ ना टोका का, पहुंच गया दुकान? सेठ जी, दुनिया में सिर्फ दो ही लोग वक्त पर पहुंचते हैं, एक सन और दूसरा प्रभा शंकर का सन। समझाता हूँ, सन SUN सन मतलब सूरज दादा जो पूर्व से आते हैं, और दूसरा सन SON सन मतलब प्रभा शंकर उंडाई वाले का सन, नटवरलाल प्रभा शंकर उंडाई वाला जो मलाड पूर्व से आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, मैंने बागा को नए स्टॉक का ऑर्डर देने के लिए बोला था, अगर उसने ना दिया तो जरा याद करा देना। जी सेठ जी, और कुछ? और कुछ नहीं, बस मैं अभी थोड़ी देर में घर से निकल रहा हूँ। कहाँ आने के लिए? अरे दुकान आने के लिए, और कहाँ जाने के लिए। कम सेठ जी, कम। वेलकम, आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर यू। अरे दया, चाय नाश्ता दे। हे गणपति बापा, हमारे सेठ जी को दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की देना, धंधे में उनकी प्रॉफिट बढ़ाना ताकि हमारी पगार बढ़े। बापा, वन रिक्वेस्ट, महंगाई घटाना ताकि सबको टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज परवड़े। थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू वेरी मच।
आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहिए। अरे मैं बड़ी जल्दी में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती। आप बस इतना बता दीजिए कि बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी? बाघा को बागेश्वर कहने वाली ये लड़की है कौन? कहिए आपको काम क्या है? काम तो बड़ा ही छोटा है छोटू काका। छोटू काका नहीं, नट्टू काका। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई, नट्टू मामा। नट्टू मामा नहीं, नट्टू काका। ओहो सॉरी सॉरी, नट्टू काका। वो क्या है कि मुझे ना आपके गोदाम में कुछ सामान रखवाना था। ओह आई गॉट इट, आई गॉट इट। सेठ जी ने बाघा से जो सामान मंगवाया था वो लेकर आई हैं आप। अरे मगन जिनटो को सारा सामान गोडाउन में रखवा दे। बागेश्वर जी? बागेश्वर जी लाइटेश्वर का बिल भरने गए हैं, और वहाँ क्या है कि लाइनेश्वर लंबी होगी तो बागेश्वर जी को आने में टाइमेश्वर लग जाएगा। बट डोंट वरी, बागा मेरा पति जाए, आपने मुझे सामान दे दिया मतलब बागा को मिल गया। थैंक यू सो मच जी। बागेश्वर जी बड़े नसीब वाले हैं कि उन्हें आपकी जैसे दादाजी मिले हैं। दादाजी नहीं, काका जी। काका जी नहीं, काका काका। अच्छा मैं चलती हूँ चाचा। चाचा नहीं, काका। दरअसल काका और चाचा तो एक ही है, चलेगा। वाह बागा वाह। सेठ जी को फोन करके बताना पड़ेगा कि बागा इज सुपर फास्ट। हाँ नटू काका बोलिए, क्या हुआ? सेठ जी गुड न्यूज है, आपने बागा को जो सामान मंगवाने के लिए कहा था वो सब सामान आ गया है। ओहो इतनी जल्दी? बागा तो बागा निकला। हा? मतलब बागा बाघ की तरह तेज और चपड़ निकला। सेठ जी ये सब ऊंधाई वाला पेडिग्री का कमाल है। कौन सी डिग्री का कमाल है? डिग्री नहीं पेडिग्री, नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलते है क्या मालूम। कांदा थोड़ा सस्ता मिला। अरे प्याज, आज तो बीबी बहुत खुश हो जाएगी। उठा उठा उठा। ओहो अरे वाह 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 वाह। क्या हुआ यार भाई? हा? क्या ढूंढ रहे? वो मेरा कांदा ऊपर से गिर गया। ऊपर से कहा? आकाश से? जादू आया था फिर से? लेकिन घर की लाइट तो चालू बंद हुई नहीं। जेठा लाल कुछ भी मत बोलो, मेरे हाथ में दो कांदे का तेली था, वो लेकर मैं सीढ़ियों पर जा रहा था, उसमें से कांदा नीचे गिरा, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, जेठा भाई, हमारे सोसाइटी में कोई पागल करोड़पति आ गया। इतने सारे कांदे सीढ़ियों पे छोड़ कर चले गए। अरे नहीं अब्दुल, ये कांदे का तैली मेरा है। आपका है? हाँ। अय्यर भाई, आप क्यों बबीता जी को रुलाने पे तुले हुए हो? क्या मतलब है? मैं क्यों रुलाएगा बबीता को? अरे इतने सारे कांदे काटते काटते बबीता जी की आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे? जेठा लाल उसका चिंता तुम मत करो, मैं खुद ही काटेगा। इसको काटने की बात चल रही है? तुमको है? अय्यर भाई, मैंने क्या किया? क्या जेठा लाल? पवड़ लाल, तुमको नहीं कांदे को काटने का बात हो रहा है। ओहो इतने सारे कांदे। अय्यर भाई ने साइड बिजनेस चालू किया ना? साइड बिजनेस?
क्या साइन इसकी दुकान बराबर चल नहीं रही है, तो सोचा होगा जो साइड में आमदनी हो नहीं। अय्यर भाई क्या जडेलाल कुछ भी बोल रहे हो, अरे 10 किलो कांदे में क्या साइड बिजनेस करेगा मैं। अय्यर भाई बुरा मत मानना, आप सिर्फ 2 जन हैं, आपको 10 किलो कांदे लगते हैं। अब्दुल हमारा तो 4 किलो में ही पूरा महीना निकल जाता है। तो फिर 10 किलो कांदा क्यों खरीदा? हाँ वो अच्छा 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 अच्छा, कुछ लोग पिक्चर की एक्स्ट्रा टिकट खरीद के बाद में ब्लैक में बेचते हैं, वैसे आपका भी कांदा ब्लैक में बेचने का इरादा तो नहीं है ना? अरे नहीं पपड़लाल, वो तो मैं थोड़ा बचत करने के हिसाब से लाया था। क्या है कांदे का भाव 100 रुपए किलो हो गया ना, एक जगह पे मेरा को 80 रुपए किलो में मिल रहा था, इसलिए 10 किलो ला लिया। ओहो, चीजों के भाव ऐसे ही बढ़ते हैं, पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद के रखते हैं, जैसे बाद में कभी मिलने वाली ना हो। देखो ऐसे ही मार्केट में माल की शॉर्टेज हो जाती है, और जैसे ही माल कम हुआ नहीं कि व्यापारियों को मौका मिल जाता है भाव बढ़ाने का, ता बेचारे गरीब लोग दुगने चौगुने दाम में उनको चीजें खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ पपटलाल। अय्यर भाई आप इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद ऐसे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? तो अय्यर भाई आपको पता ही नहीं है आपसे अनजाने में कितना बड़ा क्राइम हो गया है। क्राइम? अरे बाप, बेचारे बबीता जी को पता चलेगा कि अय्यर भाई एक गुनहगार है तो उनके दिल को कितना सदमा पहुंचेगा। दिल ऐसा बबीता जी का तोड़ा। जाडालाल चुप करो, क्या कुछ भी बोलते हो। अय्यर भाई किस किस के मुंह बंद करेंगे आप, अगर पुलिस को पता चलेगा तो आपको बंद कर देगी। क्या पपड़लाल अब तुम भी कुछ भी बोलने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अभी पुलिस को फोन करता हूँ, आप एक काम कीजिए डायरेक्ट बात कर लीजिए पुलिस। अरे बराबर है। अरे नहीं नहीं पपड़लाल, पुलिस को फोन करने का क्या जरूरत है, फोन रख दो प्लीज फोन रखो। तो एक काम कीजिए अय्यर भाई, पुलिस को पता चले उसके पहले सबूत मिटा दो, फोड़ दो सारे कांदे। अय्यर भाई आप कांदे फोड़ ही रहे हो तो थोड़े कांदे मुझे दे दो ना। पूछ क्या रहे अब्दुल, ले ले भाई, इससे अय्यर भाई की मदद ही होगी। अय्यर भाई जिसको जिसको चाहिए बांट दो बांट दो बांट दो, चाहिए इतने ले ले कोई बात। पपड़लाल तुमको चाहिए? अब आप चाहिए तो नहीं, पर अय्यर भाई को बचाने के लिए थोड़े रख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है भाई। ले ले ले। एक मिनट अब्दुल, अरे भाई कांदा चाहिए कांदा किसी को, आ जाओ जल्दी इधर, कांदा चाहिए आपको कांदा। अरे हाँ भाई 100 रुपए किलो है, दो दो दो। लो 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 लो। कितने आशीर्वाद मिले देखा यार भाई, बस खुश। कमाल हो गया, हो गया टेंशन फ्री, अभी आप मस्त रहो बिंदास रहो, कोई आपका बाल भी बका नहीं कर सकता। जेठालाल ओके बाय, चलो निकलता हूँ मैं। ओके ओके चलो यार भाई, थैंक यू। आपने कांदे से भरे सारे बक्से ठीक से रख दिए ना? हाँ रख दिए। हाँ और किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं किसी को कोई शक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, जाओ। अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। दोस्तों गोकुल धाम समाज का दर्पण है, समाज में होने वाली हर गतिविधि का प्रतिबिंब यहाँ नजर आता है, और इन दिनों हमारे समाज में देश के हर घर में हर मोहल्ले में एक ही चर्चा का विषय है, प्याज अनियन कांदा। देख लीजिए सब्जी के ठेले पे
सब कुछ है लेकिन प्याज नहीं है साहब। हमने सोने की कालाबाजारी के बारे में तो सुना था लेकिन इन दिनों प्याज की कालाबाजारी होने लगी है। और इस तरफ जेठालाल अय्यर को प्याज की कालाबाजारी और जमाखोरी पे भाषण पिला रहे हैं और दूसरी ओर जेठालाल के गोडाउन में प्याज के बॉक्स उतारे जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, क्यों कर रहे हैं जेठालाल ऐसा, और कौन है ये लड़की जो प्याज के बॉक्स उतार रही है जेठालाल के गोडाउन में? और पुलिस को इस प्याज की जमाखोरी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन और सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने ज्यादा टेंशन जितने ज्यादा सवाल उतनी ज्यादा हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, ईश्वर करे प्याज सस्ता हो जाए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।